फ्रेंड्स, रेसिपीज में डीजी बाय साधना और साधना झुमस रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक अलग रेसिपी, हाइब्रिड ग्रेटल एग प्लांट की सब्जी, जिसे चाइना बैंगन या एग ब्रिंजल भी कहा जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चाइना बैंगन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, यहाँ पे मैंने इस तरह के चाइना बैंगन लिए है, इसे मिनी बैंगन भी कहते है, 250 ग्राम है। एक पैच बारीक कटा हुआ, 6 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, 4 बड़े चम्मच तिल, 5 बड़े चम्मच रोस्टेड मूंगफली के दाने, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच, हींग, स्वाद के अनुसार नमक, अदरक और लहसुन क्रश करके लिया है, गरम मसाला 1 चम्मच और तेल। मिनी बैंगन को हम बीच में से कट कर लेंगे इस तरह से। नमक लगा लेंगे अंदर से, इस तरह से बाकी बैंगन को भी नमक लगा के रखेंगे। मिनी बैंगन की सब्जी आप बिना नमक लगाए भी कर सकते हैं, लेकिन नमक लगाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। इस तरह से बैंगन को कट करके उसे नमक लगा लिया है उसके अंदर। ज्यादा नमक लगा लेंगे तो धो लेना पड़ेगा। हम पैन में कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, उसे रोस्ट कर लेते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल के आइकॉन को जरूर दबाइएगा। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। सूखे नारियल को हमें हल्का ही रोस्ट करना है, निकाल लेते हैं। सेम पैन यूज करेंगे, तिल को सेक लेंगे। तिल को रोस्ट कर लिया है, हल्का ही रोस्ट करना है। रोस्टेड मूंगफली के दाने, तिल और कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, सभी को ग्राइंड कर लेंगे। मूंगफली के दाने पहले से ही रोस्ट कर लिए थे, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिया है, इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है, अब उसमें जीरा ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ पैच, प्याज का कलर चेंज होने तक हम उसे भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब उसमें अदरक और लहसुन क्रश करके लिया था वो डालेंगे। 2 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे। हींग ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्राइंड किया हुआ सूखा नारियल, तिल और मूंगफली के दाने मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हमने बैंगन के अंदर भी नमक डाला है इसलिए कम नमक डालेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ब्रिंजल डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। बैंगन को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। 5 मिनट ढक कर पकाएंगे धीमी आंच पे। बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट तक ब्रिंजल की सब्जी को ऐसे ही पकने दिया है। पानी डालेंगे, आधा गिलास पानी डाला है मैंने यहाँ पे। आपको ग्रेवी चाहिए तो और पानी डाल सकते हैं। धीमी आंच पे 10 मिनट ढककर पकाएंगे सब्जी को। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी हाइब्रिड ग्रेटेल एग प्लांट की सब्जी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है। सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है, आप इसे रोटी, चपाती या चावल के साथ खा सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास वाले बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे मेरी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, और मेरे फेसबुक पेज रेसिपीज मेड इजी बाय साधना और साधना झूमन रेसिपीज को जरूर भेज दीजिएगा। वहां आपको मेरी सब रेसिपीज की लिखित विधि पढ़ने को मिलेगी। धन्यवाद।